कानपुर का, उदयपुर का नगर रहा है, शहर रहा है, और यहाँ की विरासत है मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के सुख में काम आने की जो प्रवृत्ति रही है, इस निर्णय से वो और प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी, ऐसा हमारा मानना है। हम आम जनता से, सभी समुदाय के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि न्यायालय के इस निर्णय को खुले दिल से स्वीकार करें और आपस में जो हमारी विरासत है इस प्रदेश की और इस शहर की, उसको और मजबूत करें। बट इतने चालान कर रखे हैं 1,000, 2,000, 5,000, बट उसके अलावा 10,000, 25,000 रुपये, लेकिन रोड सीमित नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? रोड जो खड्डे जो हो रखे हैं, देखिए प्रशासन और शासन सरकार की मानसिकता दर्शाती है, जिनका काम केवल सरकार जनता को लूटना है, चाहे किसी प्रकार से भी लूटें, चाहे वो GST के माध्यम से लूटें, नोटबंदी के मंदी के नाम लूटें, और दूसरा ये है जो चालानों के माध्यम से लूटें। क्या कह रहे थे आपके कांस्टेबल? कह रहे थे कि हमको तनख्वाह नहीं मिली है, और ये जो टैक्स हम वसूली कर रहे हैं उससे हमारी तनख्वाह निकल रही है। क्या इस सरकार का ये नियम है? क्या ऐसे काम करेंगे? किस प्रकार से जनता को राहत देंगे? मुझे नहीं लगता कि ये काम करने वाली भी सरकार है, ये केवल बातों की और एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। और इन्होंने जो फैसला सुनाया है वो सभी वर्गों को, सभी धर्म के लिए, सभी समाज के लिए ये सम्मान है, और उनके लिए सौहार्द का ये दिन है आज का, कि अमन चैन और भाईचारा का जो संदेश मिला है उस उच्च न्यायालय को, माननीय को हम धन्यवाद देते हैं, और अपने आगरा की जिला और शहर के सभी नागरिकों को ये अपील करते हैं कि सभी लोग अमन चैन से अपने इस कहते हैं उपहार को स्वीकार करें, और अमन चैन इसी तरह से बनाए।